हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फार्मेड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं एक और बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम लेके आ गया हूं, जिसका नाम है सीक्वेंस डायग्राम। दोस्तों ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या विजुअलाइज, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है? तो ये अपने नाम के अनुसार ही काम करता है एक्चुअली। यानी जैसे मैंने बताया, ये बिहेवियरल है, यानी कि आपके सिस्टम के डायनेमिक एस्पेक्ट्स को कैप्चर करने में, विजुअलाइज करने में, डिपिक्ट करने में, रिप्रेजेंट करने में सीक्वेंस डायग्राम जो आपकी मदद करने वाला है। किस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें कैप्चर करने में जो है सीक्वेंस डायग्राम बहुत ही अहम रोल निभाता है। अब इस सीक्वेंस डायग्राम से जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किए हैं, जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे उन्हें एक एक करके समझने की अभी हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट, सबसे बेसिक एलिमेंट जो है वो है ऑब्जेक्ट, वो है ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट सिंपली कर सकते हो वो मैं अभी आपको यहां पे दिखा देता हूं। कुछ नहीं भैया, आपको सिर्फ इस तरीके से जो है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देना है। ओके, ज्यादा बड़ा भी मत बनाना, थोड़ा छोटा ही रेक्टेंगल बनाना। यहां पे जो आप लिखते हो वो क्लास का नाम लिखते हो, क्लास नेम जो है वो स्पेसिफाई करते हो, कोलन देते हो। ओके, और यहां पे ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई करते हो। दिस वे यू आर स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट इन योर सीक्वेंस डायग्राम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, क्लास नेम मैं लेता हूं स्टूडेंट। ओके, ये मेरा क्लास नेम है स्टूडेंट। और जो मैं ऑब्जेक्ट नेम लेता हूं, लेट्स कंसिडर इट एज ए श्री। ओके, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। ऐसे ही आपको कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि लेट्स कंसिडर इन जनरली मैं लेता हूं अभी यहाँ पे। ओके, दिस इज द क्लास वन, दिस इज द ऑब्जेक्ट वन। ओके, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट टू, क्लास टू, कुछ इस तरीके से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये हो गए मेरे भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तैयार। इस तरीके से आप सीक्वेंस डायग्राम में उनको दिखाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, ये है उनका सिंपल सा नोटेशन। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइफ लाइन। नाम में उसके लाइन है और काम उसका लाइफ दिखाने का है, दैट इज लाइफ लाइन। ओके, तो ये सिंपल सी लाइन है जो कि टॉप टू बॉटम रन करती है और आपके ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस उस सिस्टम में सिग्निफाई या फिर दिखाने की कोशिश करती है जो कि इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है, सिंपल एज दैट। तो ये है वो लाइफ लाइन जो कि टॉप टू बॉटम जो है रन करती है और आपके ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करती है सिस्टम के अंदर। ये ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करने वाले हैं, तो वो किस तरीके से, वो जो लाइफ लाइन है वो टॉप टू बॉटम किस तरीके से भाग वाली है, किस तरीके से दिखने वाली है, सिंपल सी होगी। वो सिर्फ सॉलिड लाइन नहीं होगी, वो होगी आपकी कुछ इस तरीके से डैश लाइन, डॉटेड 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 लाइन, सी इन दिस वे। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है आपके सिस्टम में, जो आपने इस पर्टिकुलर सीक्वेंस डायग्राम में कंसीडर किया हुआ है, उसकी इस तरीके से जो है लाइफ लाइन मेंशन होगी। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, समझ में आना चाहिए आपको, कि ओवरलैपिंग ऑफ लाइफ लाइन इज नॉट अलाउड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लाइफलाइन ओवरलैप कर रही है, ऐसा नहीं करना है भैया। क्लियर अपने को, ये सीक्वेंस डायग्राम जितने भी डायग्राम है हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भैया मॉडलिंग में हमारा जो एक आइडिया है वो क्लियर हो सके, प्रिसाइज हो सके, अनएम्बिगुअस हो सके। अगर हम डायग्राम में इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो भाई खिचड़ी हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगा। एम्बिगुअस सी आइडियाज हैं आपको जो मिलने वाली इस डायग्राम से, अगर यहां पे लाइफलाइन जो है दो ऑब्जेक्ट्स की ओवरलैप होती है तो वो अपने को नहीं करना है, सिंपल सी मुद्दे की बात। ओके, लाइफलाइन हो गया, उसके बाद आते हैं एक्टर। हाँ, अब एक्टर के बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं यूज केस में भी, तो यहां पे भी एक्टर जो है वो कुछ इस तरीके से ही रिप्रेजेंट होने वाला। सी, जैसे कि एक सुकड़ा इंसान, इसी तरीके से जो है स्टिक मैन को हम रिप्रेजेंट करने वाले इन दिस पर्टिकुलर वे। सी, दिस इज द नोटेशन फॉर अ एक्टर दैट वी यूज इन द सीक्वेंस डायग्राम। और इसका भी यहां पे हम लोग लाइफ लाइन जो है वो मेंशन करते हैं, विच इज मोस्ट कॉमनली वी यूज एज दिस वे, डॉटेड लाइन, कुछ इस तरीके से। तो भैया यहां पे एक्टर भी आ गया, आपके ऑब्जेक्ट्स भी आ गए। सो नाउ दिस एक्टर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थ्रू वॉट इट इज गोइंग टू, सो वो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कैसे इंटरेक्शन होता है। ओके, एक्टर तो हो गया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो है एक्टिवेशन बार। बार मतलब कुछ तो भैया रेक्टेंगल लंबी सी चीज लग रही बार, और उस पर एक्टिवेशन का नाम जोड़ दिया। मतलब क्या, एक्टिवेशन बार जो है उसके नाम में उसका थोड़ा काम छुपा हुआ है। एक्टिव मतलब वो दिखाता है अ पीरियड, अ ड्यूरेशन फॉर विच योर ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, योर ऑब्जेक्ट इज ऑपरेशनल, एग्जीक्यूट कर रहा है कुछ तो वो। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट। तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन बार, उसे सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस नोटेशन, बाय दिस शेप, कुछ इस तरीके से। ये है आपका एक्टिवेशन बार
फॉर दिस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. उसी तरीके से हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है वो एक्टिवेशन बार फॉर दिस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट. बात समझ में आ गई? इतना आसान सा वो फंडा है एक्टिवेशन बार का. दैट इज अ पीरियड और ड्यूरेशन फॉर विच योर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट इज एक्टिव और ऑपरेशनल. यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. अब भैया बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है आपके सीक्वेंस डायग्राम का, यानी कि मैसेजेस के बारे में. तो यहां पे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में भाई साहब जो इंट्रैक्शन हो रहा है, इट कैन बी इजीली डिपिक्टेड बाय यूजिंग द मैसेजेस. ओके, अब यहां पर जनरली जो मैसेजेस हैं उनको हम एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और यहां पर आपको इन मैसेजेस का जो फ्लो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी रिप्रेजेंटेड वे में दिख सकते.